नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के राजीवपुरम गली नंबर 5 में, जहां पर आप देख सकते हैं कि माता पिता यहां पर खड़े हुए हैं, अपने बेटे की फोटो हाथ में ली और किस तरीके से दोनों माता पिता रोते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनका बेटा जिसकी फोटो हाथ में है, जिसका नाम ऋतिक है, जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 14 साल है, 7वीं कक्षा में ये बच्चा पढ़ता है, पढ़ाई भी कर रहा था, लेकिन ना जाने रात को किस तरीके से ये घर से चला जाता है, कुछ भी कहकर नहीं जाता, कुछ भी बताकर नहीं जाता। जो दूसरा भाई है उसको भी कोई जानकारी इस बारे में नहीं है, माता पिता को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इनका बच्चा आखिर गया तो गया कहाँ, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल ज़रूर है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि इनके आंसुओं को देखकर ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक माता पिता पर इस वक्त क्या बीत रही है, क्योंकि इनके 2 ही बच्चे हैं और घर का बड़ा बेटा ऋतिक है जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 14 साल है। आखिर क्यों ऋतिक घर छोड़कर चला गया है, क्या पूरी वजह रही है, इसके बारे में इनसे जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? रेखा नाम है मैम। कुछ भी नहीं हुआ, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं। रात 10:30 बजे हम घर से बाहर बैठे थे यहीं पे, मेरे पास ही बच्चे बैठे हैं, बस इसका पापा आया, कहने लगा बेटा अंदर चल लो, रात 10:30 बज रहा है, बच्चे कोई नहीं जागते इतने रात को, अंदर चला गया। उसके बाद हम सो गए, उसके बाद किस टाइम वो निकला घर से कोई पता नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं लगा, कहीं भी नहीं, कहाँ तो गया। कोई कुंडी वगैरह लगाते हैं आप? हाँ जी, दरवाजे का कुंडी लगा हुआ था, हमें कुछ पता नहीं चला, खोल के गया है वो, कपड़े आधार कार्ड सारा कुछ लेके जा चुका है। कपड़े और आधार कार्ड भी लेंगे जी? बैग भी नहीं है उसका, नहीं पैसे कुछ नहीं लिया है उसने, बैग पैक कर रखा है, अब स्कूल के बुक सारे निकाल दिया है, आधार कार्ड भी लेके जा चुका है, कुछ नहीं, वो अपना पूर्व छोड़ रखा है घर में। कल खाना खाया था रात को? हाँ जी, रात को हमने खाना बनाए थे, खाना सबके साथ ही खाया है उसने, कोई ऐसी बात नहीं हुई है। दोस्त कौन है उसके, उनसे बात हुई? दोस्तों से भी पूछ लिए मैडम, दोस्तों अभी सारे घर पे ही है, कह रहे हमारे यहाँ तो नहीं आया है बच्चे आज। 5:30 बजे 4:30, मेरा नाम राजेश है मैं। हाँ जी, मैं 4:30 बजे से उनके दोस्तों के घर भी जा के पता कराया वो। हाँ जी, वो घर सारे लड़के घर पे हैं, बोले नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास तो आया नहीं है ना, मेरे साथ कहीं जाता तो आपके घर आते थे। कल सारा दिन कहाँ गया? कल सारा दिन घर ही है वो, कहीं भी नहीं गया, इसके घर बैठता है और कहीं जाता भी नहीं है, फालतू किसी से बात भी नहीं करता है वो। आज पता नहीं रात उसको क्या दिमाग में आए, सारे कपड़े पैक कर लिया, आधार कार्ड ले लिया, चला गया यहाँ से, मुझे नहीं समझ में आता है। ऐसा कभी नहीं करता कभी। पिछले कुछ दिनों में उसका व्यवहार किस तरीके का था? उसका व्यवहार मतलब गुस्सेला तो था ही, कभी कोई बात बोल दो तो गुस्सा, हाँ उसको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता था, बाकी और कुछ नहीं, बाकी हमने कभी नहीं उम्मीद करी थी हमारा मैडम ना, जैसे हमारा लड़का होता है ना, कहीं फिरता है, मेरा बच्चा कहीं जाता भी नहीं था ना, किसी के साथ उठ बैठ नहीं था फालतू। हाँ जी, अभी तो सरकारी में, हमें हम गवर्नमेंट सेक्टर 6 में पढ़ता है वो। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं मैम, कुछ भी नहीं है ना, तो मुझे कुछ बताया भी नहीं है, सच में मम्मी मुझे ये हुआ, कुछ भी नहीं बताया। ऐसा हुआ कि वो घर छोड़कर चला गया? नहीं मैम, कभी नहीं, डांट भी देते थे तो घर में रहता था, कभी कहीं जाता नहीं था घर से बाहर। जिस तरीके से वो अपने कपड़े आधार कार्ड लेकर गया, यही कहा जा सकता है कि अपनी मर्जी से गया? अपनी मर्जी से गया मुझे नहीं पता मैम, लेकिन इसके पीछे तो कुछ बात है, कभी मेरा बच्चा कभी नहीं घर से बाहर गया था, कभी ऐसा कदम कभी नहीं उठाया था वो, किसी का हाथ तो है। कभी कभी अपनी मम्मी को समझाता था कि भाई मम्मी आप रोया मत करो, आप क्यों किसी की बात को लेके बुरा मान जाते हो। नहीं, आप क्या काम करते हैं? मैं POP सीलिंग का काम करता हूँ। पैसे तो, की दिक्कत हो घर में? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पैसे पूछे खाने की कोई चीज की दिक्कत नहीं हमारे घर में, सब चीज परमात्मा ऊपर वाला, सब चीज को आपने जानकारी? हाँ जी बिल्कुल, रिपोर्ट आज सवेरे ही मैं लिखवा के अभी आया हूँ, सेक्टर 32 लगता है हमारा, वहीं पे अभी मैं FIR दर्ज करवा के आया हूँ। उन्होंने अभी 4 फोटो भी मांगी है, पहले बड़ी फोटो दे के आया था, अब उन्होंने 4 पासपोर्ट साइज फोटो, वो अभी दे के आऊँगा। उन्होंने कहा कि ये चीज़ जमा करा दो, उसके बाद जो है, फिर मैंने उनसे ही पूछा पुलिस वालों से कि मैं अगर ब्रेकिंग न्यूज़ में देना चाहूँ, बोला आप दे सकते हो न्यूज़। ये सब अंदर ये लड़के कौन बैठे हुए हैं? ये लगते हैं इनके ब्रदर हैं, इन सबको मालूम हुआ, सारे आए हैं, रिश्तेदारों से भी बात की? बिल्कुल बात की है, कहीं भी नहीं है, मतलब इन सबको हम सब ने ढूंढा भी है, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन,
बाईपास पे अटल पार्क जहाँ वो खेलने कभी दोस्तों के साथ दिन में भी जाता था। क्या कपड़े पहने हुए थे? कल उसने टी शर्ट और लोवर डाला हुआ था शाम के टाइम। किस कलर का? नीले कलर की टी शर्ट थी और ब्लू। यही टी शर्ट तो नहीं है? हाँ जी यही टी शर्ट है। हाँ जी और लोवर है उसकी ब्लू कलर और क्रीम कलर में उसकी लोवर डाल रखा है। हाँ जी उसी में सोया हुआ था रात को। कभी मेरा बच्चा रात किस टाइम निकला होगा वो घर से? पता नहीं मैम, मैं तो 4:30 बजे उठी हूँ। वो घर में था, वो जगा हुआ था। उसके मामा ने टोका भी है कि अभी तक सोया नहीं, बोला मैं सो रहा हूँ, सो गया था। 2 बजे के बाद ही वो निकला है घर। फोन वगैरह है उसके पास? नहीं मोबाइल नहीं है। मोबाइल नहीं चलाता। उसका फोन से भी उतना नहीं है, वो घर में रहता है फोन तो चला लेता है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। हमने फोन नहीं दे रखा। लगता है ऐसे किसी ने बहलाया फुसलाया उसको। ये लगता है किसी का हाथ है इसमें, नहीं तो मेरा बच्चा इसमें। अब मैं किस पे ऐसा करूँ, पर मेरा बच्चा ऐसे नहीं कहीं जा सकता है। गलत संगत में हो सकता है बच्चा, क्यों घर से बाहर मेरा बच्चा कहीं नहीं जाता, गली में यह घूमता फिरता रहता था और कहीं नहीं जाता। नहीं खराब संगत में भी नहीं था मेरा बच्चा। यहाँ पर आप ये देखिए कि एक तरफ पूरे देश भर में हर घर में आज जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है, लड्डू गोपाल को तैयार किया जा रहा है, अपने घर के छोटे बच्चों को बाल गोपाल का रूप दिया जा रहा है, लेकिन एक तरफ किस तरीके से करनाल के राजीवपुरम गली नंबर 5 के माँ बाप हैं जो कि अपने घर के बड़े बेटे के लिए रोते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से माँ का रो रो कर बुरा हाल है। सुबह से ही जब से जानकारी मिली है कि घर का बड़ा बेटा ऋतिक जिसकी उम्र 14 साल है, इसी कलर की ब्लू कलर की टी शर्ट पहने हुए हैं, नीचे ब्लू कलर का लोअर बताया जा रहा है जिसमें वो रात को सोया था और सुबह न जाने वो कब चला गया। आपके साथ ही सोता है ऋतिक? छोटे भाई हो आप? मेरे साथ नहीं सोता है, वो अपने मामा के साथ सोता है, मैं तो अलग सोता हूँ। मामा के साथ सोता है? यही सोता है, यही बेड पे सब सोता है। आपके साथ सोया हुआ था कल ऋतिक? कुंदन कुमार मेरे साथ। यही रहते हो? हाँ भी यही रहते हैं। रात को वो उठ के गया, आपको पता नहीं चला? नहीं बिल्कुल हमें नहीं पता चला, मेरे बड़ा भाई को पता चला था। वो उसको टोका भी, बोला क्या कर रहा है इतनी रात तक जग के। वो बोला कि कुछ नहीं, बैग वो चेक कर रहा था, फिर वो सो गया। फिर उसके बाद कब चेक कर रहा था वो? हाँ सोने से पहले वो अपना बैग चेक कर रहा था। उसी टाइम उसने आधार कार्ड और कपड़े रख लिए? हाँ उसी टाइम वो आधार कार्ड और सब रख रखे थे। पहले से उसकी प्लानिंग थी जाने की? हाँ पहले से उसका प्लानिंग होगा। तो आप रोजाना उसी के साथ सोते थे? कभी आपसे बातचीत नहीं हुई कि मैं किसी चीज को लेकर तंग हूँ, परेशान हूँ या मैं जाना चाहता हूँ घर छोड़कर? नहीं ये सब बात कुछ नहीं बोला। कभी भी नहीं, कोई बात नहीं। उसकी बात में ऐसा लगा हो कि आपको लग रहा हो कि वो जाना चाहता है कहीं बाहर दूर रहना चाहता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं लगता था। पता नहीं उसको रात में क्या हो गया, वो चला गया सुबह निकल के, नहीं पता लगा हम लोग को। कभी मैं रुस जाती थी ना पढ़ाई के पीछे, बेटा तू पढ़ ले, पढ़ाई लिखाई करेगा। पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था वो। कभी बाहर बैठ जाता था, मैं बोलती कि मम्मी इतना टेंशन नहीं लेते, मैं पढ़ूंगा, मैं कुछ करूंगा। कभी ऐसा नहीं सोचता था मैं गलत रास्ता चलूंगा। रात मुझे नहीं पता उसका क्या दिमाग में, कौन इसको क्या कहा, ये हो ही नहीं सकता। मेरा बच्चा सारे प्रूफ घर से ले गए, फोटो कॉपी भी उसका, कि मैं छोटी सी उम्र में कुछ बन जाऊं, इसको लेकर ही वो कहीं चला गया। ऐसा कह कुछ रहा सकता था, मैं डांसर बनूंगा, मैं डांस करूंगा, मैं डांसर ही, मैं हाँ सीखता था वो डांस, मैं डांसर बनूंगा। बच्चे कई बार हम देखते हैं मुंबई चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, ऐसा कुछ जाएगा उसके पास 1 रुपए नहीं है, कहाँ जाएगा वो? मेरे पतले से भी 1 रुपए नहीं लिया उसने, ना पापा के पर्स से लिया, उसके पास कुछ भी नहीं है, कपड़ा आधार कार्ड के अलावा कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नमन है। बड़ा भाई है ऋतिक आपका? नहीं। हाँ तो याद कर रहे हो भाई को? हाँ। भाई को कोई मैसेज देना चाहोगे अगर वो ये वीडियो देख रहा है? मम्मी का उसकी रो रो कर बुरा हाल है। यही कहना चाहूंगा कि वो जल्दी से जल्दी घर आ जाए। और कुछ कहोगे भाई को? कुछ कह के गया था आपको? नहीं कुछ नहीं कह के गया था। छोटे भाई को भी ऋतिक कुछ नहीं कह कर गया। ब्लू कलर की टी शर्ट, ब्लू कलर का लोवर बता रहे हैं जो अमूमन हर कोई रात को पहनकर सो जाता है कंफर्टेबल कपड़ों में, लेकिन रात को वो ना जाने कहाँ चला गया। और परिवार वालों का कहना है कि पढ़ाई में भी अच्छा है, डांस करना चाहता है, डांस सीखता भी था और हो सकता है डांस को लेकर ही कहीं चला गया हो, लेकिन ये एक पुलिस जाँच का विषय जरूर है। लेकिन बड़ी बात यह है कि राजीवपुरम के गली नंबर 5 के रहने वाले ये परिवार आज जन्माष्टमी के दिन भी किस तरीके से रोने को मजबूर है, अपने बड़े बेटे को लेकर आज ये माँ बाप रोते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये अपील रहेगी कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो ऋतिक तक भी पहुंच पाए और ऋतिक अपनी माँ के आंसुओं को देखकर वापस घर जरूर आए। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाई। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।